बियर में जो फिज आती है, जो फोम आता है, वो CO2 से आता है। तो आज हम सीखते हैं कैसे CO2 सिलेंडर पे अटैच करते हैं। बाजार में आपको ये CO2 सिलेंडर्स लेमन सोडा में यूज करते हुए मिल जाएंगे, फाउंटेन पेप्सी में यूज करते हुए जाएंगे, आप कोई भी फूड ग्रेड CO2 सिलेंडर, उसके अंदर आपको एक रेगुलेटर अटैच करना पड़ता है। जो मार्केट में ये रेगुलेटर्स आते हैं, ये आपके होते हैं वेल्डिंग रेगुलेटर्स होते हैं। तो इसमें जो आपका जो सेकेंड गेज होता है, ये 300 PSI अनुपात का होता है। इसके कंपेरिजन में यहाँ पे जो हम लोग का जो ब्रिंक्स होता है वो 100 PSI, मैं करीबन 17 to 25 PSI डिपेंडिंग अपॉन मेरी कौन सी बियर है मैं उतना सेट करता हूँ। उसके लिए 100 PSI का सिलेंडर बेस्ट रहता है। इसमें जो दो प्रेशर गेज हैं, ये वाला जो प्रेशर गेज है ये इसके अपोजिट, यानी यहाँ पे जो सिलेंडर का प्रेशर ये गेज करता है। सिलेंडर का प्रेशर यूजली 300 PSI होता है जब आप, और जो दूसरा वाला जो प्रेशर गेज है जो उसके डायमीटर का अपोजिट है, ये आपका ये कहता है कि जो आपका आउटलेट है उसमें कितना प्रेशर होता है। जैसे से आपका टैंक 300 PSI का होता है लेकिन आपको चाहिए 17 से 25 PSI, तो उसके लिए आप नॉब से इसको कम और ज्यादा करें। अब इसके अंदर ये टाइप 30 वाला जो है इसको आप इससे टाइप कर सकते हो, आपको कोई एडिशनल पल की जरूरत नहीं रहती है। और ये इस नॉब से आप सेट कर सकते हो, तो आप ये वाले से सिलेंडर को ओपन क्लोज करेंगे और इस वाली से आप सेट करेंगे कि आपका जो सेकेंड वाले नॉब में कितना प्रेशर जाएगा, और ये आपको फाइनली ये इसमें चला जाएगा। यहां से आप अपनी पाइप को फिट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कैसे एक पेप्सी की बोतल के अंदर हमने इसको फिट करके हमने कार्बोनेशन किया था। अब हम लोग इसको एज अ केग यूज करने वाले हैं। ये आपको 2.5 लीटर में के साइज में भी मिल जाती है। तो केग के लिए आपको दो कार्बोनेशन कैप्स चाहिए रहेंगे। ये आपका ब्लैक इज फॉर बियर एंड ग्रे इज फॉर गैस, ये आप अपने नोटेशन याद रखिएगा। और इसको हम लोग ऐसे फिट करेंगे, इसको ऐसे करके इसमें फिट कर दिया। ये मैंने इसको साइज ऐसे लिया है कि ये नीचे तक चला जाएगा, थोड़ा सा छोटा है बट चलेगा। और ये आपका ये हो गया ना, हमने ये दोनों आपके फिट कर दिया और इसको टाइट कर दिया। अब ये देख सकते हैं कि ये नीचे तक चला गया आपका। तो इसमें से आपकी ब्लैक वाले से आपकी बियर निकलेगी और यहां से आप CO2 को करेंगे। जैसे हमने केक को कनेक्ट किया था वैसे ही हमने CO2 सिलेंडर से हमारी पेप्सी की बॉटल को कनेक्ट किया है। इसमें ये गैस लाइन है और ये बियर लाइन को कनेक्ट किया है। मैंने फिल्टर भी लगा दिया है। वैसे छोटे वाले केक में लोग यूजली फिल्टर लगाते नहीं है, बट मैंने कहा कि लगा के दिखा देते हैं और फिर हम लोग इसको भर रहे हैं। तो आप इसको भी भर सकते हैं। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ट्रांसपेरेंट बॉटल भरता हूँ जिससे आपको दिख जाए क्या हो जाए। ये टेलीस्कोपिक आर्म है, ये न्यूका का टैप काउंटर फ्लो प्रेशर फिलर है। इसको हमने नीचे तक ले गए और फिर ये देखिएगा ये भरना शुरू हो गया। और यहां पे आप देख सकते हैं कि केक का वॉल्यूम, जैसे जैसे हम लोग ये भरते जा रहे हैं केक का वॉल्यूम कम होता जा रहा है। ठीक है, ये क्योंकि बड़ी बॉटल थी आपको केक का वॉल्यूम ज्यादा दिखा नहीं। मैं एक और बॉटल भर के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका केक का वॉल्यूम कितना कम हो गया। तो आपको 4-5 हजार रुपए का एक महंगा केक लेने की जरूरत नहीं है। आपका आपका एक काम, एक छोटी सी पेप्सी की बोतल जो आप रिसाइकल में बेचते हैं, बेच देते हैं कूड़े में, उससे भी आप अपना एक केक बना सकते हैं। सारा काम करने के बाद आपको प्रेशर रिलीज करना होता है।
वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रिलीज प्रेशर इज आप अपने सारे सबसे पहले तो सिलेंडर को डिटैच कर दीजिए, क्योंकि सिलेंडर यू डोंट वांट द सिलेंडर टू, ये आप देख सकते हो कि डिटैच करने के बाद ये अभी भी बिल्कुल टाइट है, मैं दबाई नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ये है और इसके अंदर भी थोड़ी देर में आप देख सकते हैं, मैं तो दिखाऊंगा इसमें कैसे सोडा बन जाएगा। ठीक है, आपका यहां से प्रेशर रिलीज हो गया है, उसके बाद आपका ये बस्सा है, इसको आप दबा देंगे तो ये भी प्रेशराइज है, तो ये आपका यहां से भी प्रेशर रिलीज हो गया है, तो यू आर कीपिंग द एंटायर सिस्टम डीप्रेशराइज्ड। अच्छा, ड्यूओटाइट को निकालने के लिए आपके पास ये जो स्पैनर है ये भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। स्पैनर में ये दो नॉचेस हैं, ये आपका 8mm की पाइप्स के लिए है और ये 9.5mm की पाइप्स के लिए है, और ये आपके नट्स के लिए है, तो क्योंकि मैं 8mm की पाइप्स प्रेफर करता हूँ तो 8mm की पाइप को हमने इस पर फिट किया, इसको यूं दबाया और ये आपका यूं निकल गया। सेम चीज मैंने इस साइड पे किया, इससे ये निकल गया।